सब्सक्राइब कीजिए अमीन इन्फो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो और आज हम बात करेंगे हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जिसके थ्रू अब हरियाणा के अंदर जो टीचिंग की पोस्ट होती हैं, प्राइमरी टीचर या ट्रेनिंग टीचर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वह स्टार्ट हो गया है। आपको stateonline.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल आपको मिल जाएगा जो भी इसमें है, जैसे 5 जनवरी 2019 को लेवल 3 का एग्ज़ाम होगा जो 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा, और उसके नेक्स्ट डे 6 जनवरी को लेवल 2 और लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा, जो कि टाइम आप इसकी गिवन है। लेवल 2 का एग्ज़ाम मॉर्निंग में होगा और लेवल 1 का आफ्टरनून में होगा। बाकी कुछ कैटेगरी वाइज की अगर बात करें फीस डिटेल की, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे SC और PH कैंडिडेट यानी फिजिकली हैंडल कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, उनके लिए अगर आप सिर्फ 1 लेवल के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपये, 2 लेवल के लिए कर रहे हैं तो 900 रुपये, बाकी अगर 3 लेवल्स के लिए कर रहे हैं तो 1200 रुपये आपको पे करने होंगे। बाकी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC एंड PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी हरियाणा डोमिसाइल के PH और SC कैंडिडेट के अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये 1 लेवल के लिए, 1800 रुपीज़ 2 लेवल के लिए और 3 लेवल के लिए इसमें 2400 रुपये हैं। बाकी ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा इंक्लूडिंग SC एंड PH, यानी अगर आप हरियाणा के आउटसाइड से अप्लाई कर रहे हैं तो भी फीस इसमें सेम है जो लेवल जो ऊपर वाले उसमें थी। और ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम स्टार्ट 19 जनवरी, यानी 19 तारीख को ये स्टार्ट हुआ है, इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है, और करेक्शन के लिए आप इसमें 21 नवंबर से 3 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ इसमें ऑनलाइन है, फीस भी आपको इसमें ऑनलाइन पे करनी होगी। और सो एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो जो इसका प्रोस्पेक्टस जो कि अवेलेबल है वेबसाइट पर ही, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको सारी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी इसकी एलिजिबिलिटी है वो मिल जाएगी। लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए जो भी आप इसमें देखना चाहें पहले देख सकते हैं, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे लेवल 2 में आप फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 6 to 8 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT सोशल स्टडीज़ की बात करें तो BA BCOM एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर BA BCOM विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCET, यानी जो भी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको चेक कर लेनी है। प्रोस्पेक्टस में सब कुछ अवेलेबल है, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो सो STAT जो एग्ज़ाम है उसकी क्वालिफाइंग स्कोर की बात करें तो वो भी इसमें गिवन है, ऊपर जब आएंगे आप तो वहाँ पर वो भी चेक कर सकते हैं। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स गिवन है ऑल लेवल्स के लिए 1, 2 एंड 3 फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट SC एंड डिफरेंटली एबल फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट के लिए 60%, यानी 90 मार्क्स आपको एटलीस्ट इसमें अचीव करने होंगे जो कि 60% है। बाकी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल फिजिकली चैलेंज ऑफ हरियाणा डोमिसाइल के लिए 55%, यानी हरियाणा के कैंडिडेट के लिए जो फिजिकली एबल्ड और SC कैटेगरी के हैं उनके लिए 55% है। बाकी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज ऑफ अदर स्टेट्स के लिए 60% है। लेकिन अगर आप SC या PhD PED में अप्लाई कर रहे हैं दूसरे स्टेट से तो 60% मार्क्स आपको अचीव करना इसमें ज़रूरी है, और इसके अलावा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के लिए तीनों के लिए अलग अलग इसमें पेपर स्ट्रक्चर गिवन है। जैसे लेवल 1 की अगर बात करें तो देयर विल बी ओनली 1 पेपर, ऑल क्वेश्चन विल बी MCQ ईच कैरिंग 1 मार्क विथ 4 अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ विच 1 आंसर विल बी करेक्ट। बाकी स्कीम स्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी टीचर का भी इसमें गिवन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी लैंग्वेज हिंदी MCQ एंड इंग्लिश 15 MCQ, जो सेक्शन वाइज इसमें स्ट्रक्चर है जनरल स्टडीज़ वो सब इसमें गिवन है। बाकी नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस वो भी इसमें पता चल जाएगा आपको प्रोस्पेक्टस में जो कि इसमें गिवन है।
ठीक उसी तरीके से आपको लेवल टू और लेवल थ्री का जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है वो भी अवेलेबल होगा दोस्तों। एडमिट कार्ड इसके 20 दिसंबर से अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, वो भी आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका ऑनलाइन प्रोसीजर कैसा है। तो पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल स्टेप्स दिख जाएंगे, फिल द रजिस्ट्रेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट और बाकी पेमेंट। तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है और सारी डिटेल आप फिल कर देंगे। तो सारी डिटेल आपको इसमें फिल करनी होगी, बाकी सबमिट पे आप डिटेल फिल करने के बाद सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड और नंबर से आप फिर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करनी होगी और फीस पे करनी होगी, और फाइनल जो कन्फर्मेशन पेज आएगा उसका प्रिंट आउट भी लेना होगा। तो बस दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, और कोई क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।